इल्मे नजूम, इल्मे लाल किताब ज्योतिष में आप सभी प्रेमियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मंगल खाना नंबर 9 के बारे में, 10 के बारे में, 11 के बारे में और 12 के बारे में। मंगल खाना नंबर 9 बृहस्पति का घर है, बृहस्पति का मुकाम है, बृहस्पति इसके दोस्त हैं और इस घर में राहु नीच होता है, मंगल उसे चुप कराता है और केतु यहाँ पर बैठा हुआ होता है। हालांकि जब भी मंगल बृहस्पति के घरों में बैठा हो, जैसे कि 2 में बैठा है, 5 में बैठा है, 9 में बैठा या 12वें में बैठा हुआ है, तो अमूमन जो है राहु केतु की इतनी नहीं चलती है। ये कंडीशन चंद्रमा में भी है, चंद्रमा जब दूसरे में बैठा हो, 5वें में बैठा हो, तो भी यहाँ पर जो है ये राहु को कंट्रोल कर लेता है। 5वें में तो राहु को पूरा कंट्रोल करता है। तो इस तरह से यहाँ पे मंगल नौ की कंडीशन है। ये घर जो दोनों है, यहाँ पे केतु उच्च का है, राहु नीच का है, खुद ये बृहस्पति का घर है। यहाँ पे पंडित जी, जब भी लाल किताब की पंडित जी ने शुरुआत की है, तो जब भी कोई भी खाना नंबर लिखते हैं तो उसके साथ ही पंडित जी दो लफ्जी बयान करते हैं। जैसे कि खाना नंबर 9 मंगल में भी पंडित जी ने किया है कि बुजुर्गों से ही चलता आया सा तख्त स्याही, और अगर मंगल बद तो नास्तिक बदनाम। यहाँ पे पंडित जी लिखते हैं कि अगर मंगल यहाँ नेक हुआ तो ये बुजुर्गों से, यानी उसके जन्म से पहले ही वो घर जो है आबाद होगा, हर तरह से खुशहाल होगा और उसके लिए ही चीजें सब खुद ब खुद मौजूद होंगी। ये तख्त शाही होगा, यानी कि उसके प्रारब्ध बहुत अच्छे होंगे। अगर ये बद हुआ मंगल, तो यहाँ पर ये नास्तिक बदनाम होगा। अब यहाँ पर जो तख्त शाही का है, वो यहाँ पर दरअसल मंगल नेक की जो हैसियत है वो सूरज बुध की है, और मंगल बद की जो हैसियत है वो यहाँ पर हैसियत सूरज और शनि की है, जो कि मंगल नीच जो है राहु बद स्वभाव का जो मंगल बन जाता है, शनि सूरज शनि मंगल जो है बद राहु नीच स्वभाव का। अगर यहाँ पे मंगल बद हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर ये राहु बन जाएगा और यहाँ पर ये नास्तिकता दे देगा, नास्तिक बदनाम देगा, हर तरह से बदनामी गले पड़े, यानी कि राहु जो है वो इस घर में माना जाएगा और बृहस्पति को खराब करेगा। आगे पंडित जी लिखते हैं कि बड़े भाई की ताबीदारी जो रहता, जना जमाना गुलामी ना तुझे कोई कहता। बड़ा भाई जो है मंगल खाना नंबर 9 में हो, तो यहाँ बृहस्पति के घरों में मंगल जब भी पड़ा होता है, अमूमन खाना नंबर 2 में मंगल हो, खाना नंबर 5 में हो, खाना नंबर 9 में हो और खाना नंबर 12 में हो। वैसे खाना नंबर 4 में जब मंगल पड़ा हो, तो इनके पास या इनके जो बुजुर्ग होते हैं वो पहले से उन्होंने सिद्धि की होती है। ये मंगल बद उसी घर में पैदा होगा जिस घर में किसी जमाने में बहुत ही पहुंचा हुआ बृहस्पति होगा, या उसने कोई सिद्धि की होगी। तकरीबन जितने भी मंगल बद होते हैं, इनके कोई ना कोई फोर फादर्स में जो है कोई ना कोई सिद्धि इन्होंने की होती, कोई सिद्धि होती है। मंगल 4 में तो ये कंडीशन जो है बिल्कुल पक्की होती है। तो यहाँ पर जो है खाना नंबर जो 9 में मंगल बैठा हुआ है, यहाँ पे पंडित जी लिखते हैं कि बड़े भाई की ताबियादारी। मंगल 9 में कंडीशन ये है कि मंगल 9 वाले की जो पावर होती है, बृहस्पति घरों में जब भी मंगल पड़ा हो, तो मंगल एक ऐसी कंडीशन का होता है कि बृहस्पति का हुक्म मानने वाला, यानी बड़े का हुक्म को पालना करने वाला उसकी। यहाँ पर कंडीशन ये आ जाती है कि ऐसे लोगों के अंदर में काबिलियत तो होती है, लेकिन उन्हें बिल्कुल यहाँ पर पता नहीं होता कि मेरी काबिलियत क्या है। यहाँ पर कंडीशन वो होती है जैसे कि हनुमान जी उड़ना भूल गए, यानी कि उसके अंदर काबिलियत होते हुए भी अंडर कॉन्फिडेंस, या उसे उन चीजों का पता ही नहीं लग पाता कि वो क्या कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर वो कुछ कर नहीं पाता। तो यहाँ पर अपने से बड़े भाई, बड़ा भाई जो है, बड़े भाई का जो ताल्लुक है वो हमारी जिंदगी से ऐसा है कि जब वालिद का साया सिर से उठ जाए, तो वालिद का साया सिर से उठने के बाद जो पगड़ी के जो रस्मात किए जाते हैं, या फिर इलाके के हिसाब से जो भी रस्मात किए जाते हैं, जिम्मेदारी दी जाती है, वो हमेशा ही बड़े बेटे को दी जाती है, बड़े भाई को दी जाती है। बड़ा भाई जो है ये बाप का रुतबा रखता है, तो बड़े भाई का जो है यहाँ पे बहुत ही अहम रोल है। और यहाँ पर बड़ा भाई अगर जो है अमूमन तो मंगल खाना नंबर 9 में हो, तो अक्सर बड़े भाई नहीं होते हैं, अगर बद में हो, अगर नेक में हो, तो अगर यहाँ बड़ा भाई है तो बड़े भाई की जो, अगर वो सेवा करेगा, उसका कहना मानेगा। अगर बड़ा भाई नहीं भी है, तो कोई अपनी हम उम्र
उम्र से थोड़ा बड़ा हो, अगर वो दोस्त हो उसको भी लेकर चले, तो यहाँ पर आदमी को हर तरह से जो है मंगल नेक रहता है, यहाँ पे मदद मिलती है यहाँ पे। यानी कि सीधी सी बात है, मंगल वो अगर बद है तो मंगल उसकी मदद लेनी है, या मंगल वैसे भी नौ है जो बृहस्पति का ताल्लुक रखता है, यानी कि उम्र में हमसे बड़ा है, बड़े भाई का रुतबा जिसे हासिल है। सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पर मंगल को बृहस्पति की हेल्प की बात की है, क्योंकि मंगल भी बृहस्पति के घर में बैठा हुआ है। समान हुकूमत पहले बनते पीछे जगत में आता हो, पहले ही प्रारब्ध में उस वह घर पहले से खुशहाल होगा, आबाद होगा, और जब वो उस घर में पैदा हुआ तो उसके घर में आने से पहले घर बहुत खुशहाल था। उम्र 13 घर दौलत मिलते, 28 राजा खुद बनता हो। यहाँ पे 13 साल की उम्र जो होगी, इस उम्र में अब 13 साल की उम्र किस खाना नंबर में आएगी? खाना नंबर 11 में आएगी। किस्मत का घर है, यहाँ पर हर तरह से सब कुछ जो है मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, 28 राजा खुद बनता हो, तो यहाँ पे 28वां घर जो है वो यहाँ पर खाना नंबर 7 है, यानी कि घर गृहस्थी और सब चीजों में यहाँ पर हर तरह से खुशहाल जो है घर का मालक बन जाए, यहाँ पर घर गृहस्थी आबाद हर तरह से नेक। यहाँ पर पंडित जी लिखते हैं कि शुक्र चंद्र का नेक हो मंगल, असर उत्तम मच रेखा हो, राज रवि का हरदम प्रबल, बैठा टेवे खुआ कैसा हो, बुद्ध मंदा खुद मंगल मंदा, भला पिता ना माता हो, बड़ा भाई जब साथी उसका गुजर बुराना होता हो। शुक्र चंद्र का लेक मंगल उत्तासर उत्तम मच रेखा हो, यहाँ पे मंगल खाना नंबर जो है अगर बैठा हुआ है यहाँ पे, अगर शुक्र की या चंद्रमा की अगर यहाँ पे, क्योंकि मंगल शुक्र मिलेंगे तो भी ये मसनूई जो है चंद्र बन जाते हैं, अगर चंद्र की यहाँ पर मंगल को हेल्प मिल जाए तो यहाँ पे राहु का असर जो है वो निर्धारित रहता है, राहु का असर यहाँ पे रहता ही नहीं है, फिर यहाँ पे मंगल कभी राहु स्वभाव नहीं बन पाता है। तो यहाँ पे आगे जो है, राज रवि का हरदम प्रबल, बैठा टेवे खुआ कैसा हो, बुद्ध मंदा खुद मंगल मंदा। अब मंगल की जो कंडीशन है, दरअसल ऐसा है कि मंगल के साथ कहानी है कि अगर मंगल चलता जो है ये शनि से ही चलता है, अगर खुदा न खास्ता कहीं बुध इसके साथ मंगल के साथ मिल जाए और ये जिस घर में जाके उच्च होता है, खाना नंबर 10 में शनि का घर है, अगर शनि ही मंदा हो गया तो यहाँ पर मंगल का भी रिजल्ट जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि मंगल जब भी चलता है मंगल दरअसल बुध और शनि का ही एक रिजल्ट है। अच्छा मतलब अगर मंगल शनि नेक है तो मंगल का भी असर जो है बढ़िया है, लेकिन कहीं अगर बुध मंगल के साथ मिल गया तो वही मसनूई जो शनि मंदा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा और सबका सब यहाँ पर ये रद्दी कर देगा, बर्बाद कर देगा। बुध मंदा खुद मंगल मंदा, भला पिता ना माता हो, यहाँ पे ये घर जो है बुजुर्गों का घर बर्बाद होगा, बड़ा भाई जब साथी उसका गुजर बुरा ना होता हो, लेकिन बड़ा भाई जो बृहस्पति समान है अगर वो कायम है उसकी मदद है तो हर तरह से गुजर बसर जो है वो अच्छी होती रहेगी, शेर मैदानी किस्मत उसकी, दस्त दराज ना होता हो, माता पिता की हालत अपनी चंद्र गुरु पर चलता हो, सेवा भाई ना गुलामी गिनते, फतेह जगत दो मिलता हो। यहाँ पे पंडित जी ने बोला है कि बड़े भाई की सेवा, मंगल नौ वाले को अक्सर एक आदत होती है अकेले चलने की आदत होती है, ये अक्सर जो है थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम भी होती है, मंगल जब भी खाना नंबर 12 में हो तो ईगो प्रॉब्लम आमतौर पे आ जाती है। मंगल नौ में भी मैंने अक्सर ईगो प्रॉब्लम्स देखी हैं, मतलब यहाँ पर क्योंकि उसे खुद ही बृहस्पति का जो है गुमान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बृहस्पति की ताबेदारी करनी मंगल के लिए बहुत ही बढ़िया है यहाँ पर। तो यहाँ पे पंडित जी लिखते हैं कि सेवा भाई ना गुलामी गिनते, भाई की सेवा जो है किसी गुलामी में नहीं होती है, फतेह जगत दो मिलता है, हर तरह से यहाँ पे फतेह होती है, और शेर राजा दो जंगल कटते, लंका जले भाई लड़ता हो। यहाँ पे मंगल नौ की जो कंडीशन है वो यहाँ पे विभीषण की भी दी है, अगर यहाँ पे भाई लड़ेगा तो घर का भेदी लंका ढाए, यहाँ पर वो विभीषण वाला काम हो जाएगा, यानी कि सोने की लंका लग जाएगी, लंका जल जाएगी, और शेर राजा दो जंगल कटते, अगर एक ही जंगल में अगर दो राजा हो जाएंगे तो वहां पर अब दो राजा कौन है, जो शेर है शेर भी राजा है, शेरों का जो शिकारी है अगर वो वहां पे चला गया या राजा जो है वहां पे रहने लग गया तो राजा भी फिर वहां पे जंगल को कटवा देगा वहां पर। तो यहाँ पे जो है शेर राजा दो जंगल कटते, दो राजे जो है एक ही जगह में होने से वो जंगल बर्बाद हो जाता है, वो जंगल कभी आबाद नहीं होता, और जब दो भाई लड़े तो वो घर भी जो है वो घर पूरा लंका बन जाता है वहां पे, वो भी कभी आबाद नहीं होता, लंका लग जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सारी की सारी कंडीशन है पंडित जी यहाँ पर वो सारी यहाँ पर बुध पर डालते हैं, और इसके साथ ही शनि पे डालते हैं कि अगर कहीं ना सूरज शनि
हिसाब से अगर ये मंगल जो है मत्स्य भाव का हुआ तो राहु में आ जाएगा, जो पूरी तरह से तबाही ला देगा। अगर ये यहाँ पर सूरज बुध के हिसाब से मंगल नेक में आ गया तो ये यहाँ पर अच्छा असर देगा। अगर कहीं बुध के साथ इसका कहीं संबंध हो गया तो शनि नीच होने से, शनि नीच कुंडली में हो तो मंगल का असर वैसे ही जो है आदमी का खत्म हो जाता है, यानी कि आगे बढ़ने की कंडीशन जो है। अब जैसे शनि खाना नंबर 3 में ही है, आमतौर पर जो है दलित और वहां पर जो है हर तरह से बरकत ना होना, और शनि 3 में पंडित जी ने भी कहा कि जब तक भाइयों के साथ रहेगा, मिलकर रहेगा तो हमेशा ही उजड़ता रहेगा। इसलिए मंगल बुध को तीसरे शनि में पंडित जी ने बहुत ही बेहतर भी वहां पर हमें समझाया है। तो यहाँ पर कंडीशन यह है कि कुल मिलाकर जो है शनि का अच्छा होना जरूरी है। अगर शनि अच्छा ना हो तो, अब शनि के बारे में बात करें तो शनि दो होते हैं, एक तो जो जितने मजदूर हैं राजमिस्त्री हैं ये भी शनि में ही आते हैं, लोगों के घर बनाते हैं, घर बनाते हैं लोगों के, लेकिन घर बनाने के बावजूद भी इनका अपना घर वैसा नहीं बन पाता जैसा यह दूसरों का बनाते हैं, क्योंकि इन्हें जो मोहब्बत है वो ईंट और पत्थरों से मोहब्बत है। शनि तीसरे में पंडित जी ने कहा है ना कि एक ऐसा शनि जिसे ईंट पत्थर से मोहब्बत है उसे रुपये पैसों की क्या जरूरत है, यानी कि वो अपनी गठरी में वही जो है लोहे लकड़ और ईंट पत्थर ही लेके बांध के घूमता रहेगा, यानी कि हर तरह से बरकत के लिए यहाँ पे जो है धन के लिए कलपता हुआ यहाँ पर माना गया है। तो शनि की दो कंडीशन है, शनि जो है जो जितने भी मजदूर वर्ग के लोग हैं ये भी शनि है, लेकिन ये शनि जो है वो समझ लें कि खाना नंबर 3 के ही समझ लें कि जो मेहनत तो करते हैं लेकिन उनको मंगल का घर है यहाँ पे, इस घर में मेहनत तो करते हैं लेकिन यहाँ पर जिस तरह से उनको धन मिलना चाहिए उस तरह से धन उनको यहाँ पर नहीं मिल पाता। लेकिन इसके अपोजिट खाना नंबर जो 9 है यहाँ पर शनि आकर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करता है। इस तरह से शनि के भी जो हालात है वो अलग अलग है। तो यहाँ पे मंगल के साथ जो है कंडीशन यही है कि अगर कहीं से बुध के साथ कहीं इसका कोई तालमेल हो गया तो शनि का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे खराब होगा, फिर ये मंगल जो है बद राहु स्वभाव बन जाएगा, बृहस्पति के घर का नाश कर देगा यहाँ पर। तो यहाँ के कंडीशन जो यही है, अगर इस तरह से नहीं हुआ तो यहाँ पे मंगल जो है वो मच्छ रेखा का यहाँ पे हाल पे होगा और हर तरह से यहाँ पर जो है आबाद करने वाला होगा। यहाँ पर पंडित जी ने इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बयान किया है। तो यहाँ पर आगे भी जो है लास्ट में मंदी हालत में ही नास्तिक बदनाम किस्मत के मैदान में शेर को अब गीदड़ की तरह मांगकर ही खाना पड़ेगा, और माता पिता दुखिया और तंग हाल होंगे जब बुध मंदा हो। यहाँ पर इसकी कंडीशन भी पंडित जी ने साथ हमें बयान कर दी है। तो खाना नंबर 9 में जब बृहस्पति मंगल होगा तो यहाँ पे हम इसको बुध के हिसाब से देखेंगे, अगर नेक है तो यहाँ पे कोई बात नहीं, अगर किसी तरह की मंदी है तो यहाँ पे बुध मंदे को लेकर यहाँ पर इसको हम करेंगे, इस तरह से इसको हम यहाँ पे तस्लीम करेंगे। आगे चलते हैं खाना नंबर मंगल 10 पर। 10 पर यहाँ पे पंडित जी जो, फिर मैंने कहा कि जो जो दो लफ्जी बयान होते हैं लाल किताब में पंडित जी उसमें सारा भेद खोल देते हैं। जैसे पीछे पंडित जी ने पेज में खोल दिया था ना कि मंगल खाना नंबर 9 तख्त शाही या फिर नास्तिक बदनाम, यहाँ पंडित जी लिखते हैं कि चींटी के घर भगवान राजा। अब जो चींटियां हैं, चींटियां जो है शनि की हैं, यहाँ चींटी के घर में शनि के घर में जो है यहाँ पर भगवान यानी राजा मंगल यहाँ पर आकर बैठ गया, यहाँ पर इस घर में जो है मंगल उच्च का हो जाता है। यहाँ पे पंडित लिखते हैं बिके घर से सोना तो हो दूध जलता, बिके घर से सोना तो हो दूध जलता, जब रहा जब ना चंदर तो परिवार घटता। अब ये जो खाना नंबर 9 था, खाना नंबर 9 में यहाँ पर जो है इसका जो सेहन है वो खाना नंबर यहाँ पे 3 था, ये कंडीशन आ गई थी मरकरी पर, ठीक है। अब ये खाना नंबर जो 10 है इसका जो सेहन, यहाँ पे मंगल की बुध पे कंडीशन आ गई थी, बृहस्पति पे कंडीशन आ गई थी, और ये घर जो है खुद शनि का घर है, यहाँ पे कंडीशन इसका जो सेहन है, सेहन कहते हैं आंगन को, यानी जो हर 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 खाने से जो सातवां घर होता है उसका आंगन होता है उसका। अब इसका जो आंगन है वो है खाना नंबर 4। कंडीशन यहाँ भी बृहस्पति की है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पंडित जी कि बिके घर से सोना तो हो दूध जलता, रहा जब न चंदर तो परिवार घटता। अब खाना नंबर जो आगे का 4 है ये बृहस्पति का घर है, बृहस्पति की राह, यहाँ पे बृहस्पति उच्च हो जाता है, चंद्रमा की ये राशि है।
यहाँ पे ये चंद्र बृहस्पति के घर में जब यहाँ से सोना उड़ेगा, सोना जाएगा, तो यहाँ पे मंगल जो है वो मंगल बद की कंडीशन में होता जाएगा, फिर ये चंद्रमा का भी दुश्मन बन जाएगा, चंद्र के घर को भी ये जला के खाक कर देगा, यानी कि पूरी तरह से मंगल जो है वो चौथे घर का ही असर दे जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कंडीशन पंडित जी इसीलिए कहते हैं कि तू बृहस्पति को संभाल के रख, अगर तेरे से बृहस्पति फिसल गया तो यहाँ पे तेरा चंद्रमा भी जाएगा, दौलत भी घटेगी और परिवार भी तेरा घटेगा यहाँ पे। खाली दृष्टि मंगल राजा, नजर शनि पर चलता हो, मध्य शनि से चीता बनता, हमला मर्द न करता हो। अगर यहाँ पे मंगल पे किसी तरह की दृष्टि ना हो तो यहाँ पे कहते हैं कि ये नजर शनि से चलेगा, शनि जहां भी बैठा होगा शनि की नजर से चलेगा ये, मदद शनि से चीता बनता, हमला मर्द न करता हो। यहाँ पे मंगल शनि दोनों मिलने से जो है यहाँ पे राहु उच्च का हो जाएगा, चीता बन जाएगा यहाँ पर ये, हमला मर्द न करता हो। शुक्र चंद्र और पापी दूजे औलाद देरी से पाता हो, शुक्र दूसरे घर में हो, चंद्र दूसरे घर में हो, या राहु दूसरे घर में हो। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि शुक्र दूसरे घर में बैठा हुआ है, मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, या फिर चंद्रमा दूसरे घर में बैठा है, मंगल यहाँ पे बैठा हुआ है, तो खाना नंबर चार जो है उसकी तरफ से अगर ये खाली हुआ या उसके साथ इसको कोई साथ मिल जाए खाना नंबर चार से, तो हर तरह से यहाँ पर ये बुरा असर दे देगा। इसकी जो कंडीशन है वो पंडित जी ने यहाँ पर आगे यहाँ पर कंडीशन भी दे दी है कि जब भी खाना नंबर जो है पांच में कोई भी प्लेनेट आ जाए, जब टकराव की हालत में आ जाए यहाँ पर, ये सीधी सीधी सी बात है कि खाना नंबर जो है यहाँ पर टकराव की बात है। और दूसरी बात है यहाँ पर कि इसको पंडित जी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पर आदमी चंद्र दूसरे जब बैठा है, तो अगर आदमी ऐसे समय में अगर जो है नानके का कुत्ता बन जाए तो यहाँ पर भी ये बुरा असर देगा, क्योंकि यह खाना नंबर जो है मंगल यहाँ पर केतु की जड़ है यहाँ पर। तो कंडीशन इसकी इस तरह से है, कई टेवे देखे हैं लेकिन बेऔलादी की कोई समस्या नहीं थी वहां पर, चंद्र दूसरे भी था शुक्र भी दूसरे था, लेकिन जहां पर ये कंडीशन मिली वहां पर ये मिली कि जहां पर नानके घर जो है दोता कुत्ता जो है वो अगर नानके घर में पला हुआ है वहीं पे रहता है वहां पर नानके घर में, तो वो फिर औलाद को जो है वो तरसता रहता है यहाँ पर। तो उसके बाद है पापी दूजे औलाद देरी से पाता हो, यानी कि औलाद जो है देरी से मिलती है, राज मुबारक चंद्र चौथे परिवार शनि तीन देता हो। अगर यहाँ पर चंद्रमा चौथे घर में बैठा है तो यहाँ पे मंगल को पूरा नेक कर देगा, हर तरह से मुबारक फल होगा और परिवार शनि तीन देता हो। अब यहाँ पे शनि जो है ये तीसरे घर में बैठा हुआ शनि या बैठा हुआ शनि जो है यहाँ पर मंगल के साथ यहाँ पे साथी ग्रह बन गया, यहाँ पर साथी ग्रह बनने के कारण जो है मंगल या यहाँ पे आ गया और मंगल के घर में जो है वो वहां पर चला गया, लेकिन यहाँ पर लगन में शनि बैठा हुआ है तो ये कंडीशन नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये काग रेखा बनाएगा, लेकिन अगर तीसरे घर में शनि चला गया है, मंगल दसवें घर में बैठा है, तो दोनों साथी ग्रह बन जाएंगे और हर तरह से यहाँ पर ये मदद देगा। चंद्र रवि गुरु तीन छह तीन बैठे, जलता जंगल जर घटता हो, लड़के पोते हो अक्सर मरते, सुखिया पिता न माता हो, चार रवि छह चंद्र बैठा, मालिक टेवा खुद काना हो, शनि मगर जब चौथे आया कैद राजा की पाता हो। तो यहाँ पर जो है खाना नंबर जब मंगल बैठा हुआ है शनि चौथे में आएगा तो शनि और मंगल मिलके दोनों जो है यहाँ पे, अब मंगल का जो है वो खाना नंबर चार का जो है आंगन है वो खाना नंबर जो है दस बन गया, और दसवें का जो आंगन है खाना नंबर चार बन गया, तो दोनों एक दूसरे पे हुकूमत करने की कोशिश करेंगे और मंगल शनि दोनों मिलकर जो है जो तीसरे घर में कंडीशन थी शनि की हो जाती है, या तीसरे घर में मंगल की चिड़ियों घर जो है जो कैद राजा की कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे दोनों राजा एक साथ जो है यहाँ पे नहीं रह सकेंगे और वो जो है जंगल बर्बाद होना ही होना है, वो राज कभी भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पे पंडित जी जो चींटी घर भगवान आए, शनि के घर में मंगल आया हुआ उच्च का होगा, बेशक घर पहले गरीब हो लेकिन बाद में जरूर अमीर बन जाएगा, यानी कि हर तरह से यहाँ पे ये बढ़िया होगा। उसके बाद पंडित जी चंद्र खाना नंबर चार में हो तो उसकी जो मदद मिलेगी मंगल को, मंगल और यहाँ पे अच्छा असर देगा यहाँ पर और बढ़िया असर दे देगा। शनि खाना नंबर तीन में है तो शेर से भी ज्यादा शरारती चीता होगा, शनिचर के साथ साथी हो या मदद हो यहाँ पर यहाँ पे, लेकिन ये मदद खाना नंबर चार से ना हो, चार की जो मदद होगी वो आमने सामने की टक्करी होगी, एक दूसरे पे हुकूमत करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जब मंगल शनि का जो है साथ साथी वाली मदद हो तो यहाँ पे इस तरह से ये बढ़िया असर देगा यहाँ पर ये। और सबसे उत्तम असर तब होगा जब खाना नंबर पांच खाली हो, खाना नंबर पांच में यहाँ पर अब कोई भी प्लेनेट आएगा तो
तो मेन चीज है कि खाना नंबर 5 में जो प्लेनेट है, कोई भी ग्रह हो। अब खाना नंबर 5 में खुद जो है सूरज और बृहस्पति होते हैं। खाना नंबर ये सूरज और बृहस्पति यहाँ पर जो है मंगल के साथ, यहाँ पर दोनों की टकरावट में अब दोनों का फैसला जो है मंगल पद पर ही होगा। यहाँ पे सूरज बृहस्पति की तो बात नहीं है, लेकिन सूरज बृहस्पति के अलावा कोई भी प्लेनेट आएगा तो वो इन दोनों की, जो भी दोनों में से नीच होगा, वो एक दूसरे को टक्कर मार देगा, यहाँ पर बर्बाद करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर इस घर में शुक्र आ गया तो वो भी यहाँ पे इसे खराब करेगा। शुक्र यहाँ पे आएगा तो इसे बर्बाद करेगा। उसके बाद यहाँ पे अगर बुध आ गया तो मंगल को बर्बाद करेगा। यहाँ पे अगर खुद शनि आ गया तो शनि के साथ ही मंगल के आपस की दोनों की लड़ाइयां होंगी। कुल मिलाकर यहाँ पे खाना नंबर 5 और जो 10 की टक्कर, 8वीं टक्कर हुआ करती है, वो टक्कर यहाँ पे हो जाएगी। वो टक्कर खाना नंबर 5 अगर खाली है तो यहाँ पे किसी प्रकार की यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे नहीं होगी। दूसरी बात है, यहाँ पर जो लड़के पे लड़का बरता जावे, सूरज जब छठे में होता है तो केतु कहीं भी होगा। सूरज छठे में होने से जो है लग्न में जब केतु था तो सूरज को उच्च करता है, सूरज जब छठे में हो तो केतु को उच्च कर देता है। अब केतु की जो जड़ होती है वो खाना नंबर 10 में होती है। ऐसे समय में यहाँ पर दोनों आपस में ही टकराएंगे, क्योंकि अब मंगल भी यहाँ पर अपने राजा है, वो अपनी बात चलाएगा, केतु अपनी चलाएगा, तो यहाँ पे मंगल और केतु की टकरावट होगी। आप इस बात को समझ लें, सूरज जब छठे में हो, मंगल 10वें घर में हो, तो तकरीबन बोला है कि लड़के पे लड़का मरता जावे। अब यहाँ पे जो कंडीशन है, लड़के पे लड़का मरता जावे, यहाँ पे दो बातें हैं। जो ओरिजिनल लाल किताब है उसमें उर्दू में जो है यहाँ पे लड़के पे लड़का मरता जावे जो कंडीशन यहाँ पे लिखी है, लेकिन उर्दू की ओरिजिनल किताब में यहाँ पे लड़के के लड़का मरता जावे, यहाँ पे यानी कि जो पोता होता है, यहाँ पे पोते या दोते की बात की गई है कि उसका जो पोता होगा दोता होगा वो बच्चे जो है मरते रहेंगे। यहाँ पे हिंदी में इन्होंने पे लिखा है, लेकिन उर्दू के जो किताब है वहां पर पे को जो है, वहां पर जो पे लिखा जाता है उर्दू में और के लिखा जाता है, दोनों में सिर्फ एक हल्के से डंडे का फर्क होता है, तो थोड़ी सी ये कंफ्यूजन सी रह जाती है। तो कुछ जो बुजुर्ग थे वो ये कहते थे कि ये कंडीशन जो है यहाँ पर बेटे पर ना होकर पोते पर कंडीशन आती है, लेकिन ये सूरज खाना नंबर 6 वाली जो है ये कंडीशन तभी होगी जब आदमी अपने घर की जो पिछली दीवार है उसको तोड़ के रोशनदान कर लेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे सूरज और शनि मिलकर यहाँ पे मंगल को बध कर देंगे। ये कंडीशन सिर्फ तभी होगी, वरना ये कंडीशन नहीं होगी। तो यहाँ पर खाना नंबर अगर 5 खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर खाना नंबर 4 में शनि बैठ गया है तो दो राजा आपस में लड़ेंगे, हर तरह से जो है यहाँ पर हर तरह से यहाँ पे बेकार होगा। उसके बाद पंडित जी लिखते हैं कि खाना नंबर 3 में, 6 में चंद्र गुरु या सूरज हो तो यहाँ पे जो है मंगल यहाँ पर बध होगा। तो यहाँ पर पंडित जी लिखते हैं कि बुध मंदा होगा। अब चंद्र तीसरे में बैठा है तो यहाँ पर जो है वो बुध का असर यहाँ पे खराब करेगा। यहाँ पर अगर बृहस्पति छठे में बैठा है तो यहाँ पर क्या है कि अगर कहीं से वो पिछली जो दरवाजा तोड़ने वाली बात है, अगर पश्चिमुखी मकान ही ले लिया तो कहीं ना कहीं सूरज शनि की मिलावट हो जाने से यहाँ पर ये जो है बुरा असर होगा। वैसे बुरा असर नहीं होगा, अमूमन मामलों में यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे ये जो कंडीशन है, चंद्र 3 में हो तो यहाँ पे चंद्र 3 में पहले भी पढ़ के आए हैं कि बुध को खराब करता है, बुध का ऋण भी लग जाता है। और यहाँ पर जो गुरु जो है या सूरज जो है जब छठे घर में बैठा हो, अब गुरु छठे में है, 8वें में है, इन घरों में बैठा गुरु वैसे भी मंदा होता है। मंगल की कंडीशन यहाँ पर पहले बात कर ली थी कि खाना नंबर 4 से चलेगी, गुरु जैसा है मंगल की कंडीशन वैसी होगी। और यहाँ पर सूरज जो है वो खाना नंबर 6 में बैठ कर शनि के साथ कोई उसका कंजक्शन हो गया तो यहाँ पर ये मंगल का असर बिल्कुल बंद हो जाएगा। उसके बाद अगर चंद्र 3 में बैठ गया तो यहाँ पर ये बुध को खराब करेगा। बुध खराब होने से यहाँ पर जो शनि की मदद यहाँ पर खाना नंबर मंगल 10 को नहीं मिलेगी, और मंगल 10 इतना कोई इतना अच्छा काम का यहाँ पर नहीं होगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है खाना नंबर जब 10 में मंगल हो तो बृहस्पति को कायम करना, कायम रखना, अच्छा रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही जो 5वां घर है यानी कि सूरज का घर है, ये सूरज का भी बृहस्पति का असर बढ़िया होगा, तो हर तरह से मंगल खाना नंबर 9, खाना नंबर 10 जो है वो आबाद होगा। अगर ये बात यहाँ आपको समझ नहीं आई तो हम किसी डिस्कशन में इसको जो है सवाल जवाब में इसको ले लेंगे, क्योंकि कई बातें जो है वो अक्सर धीरे धीरे समझ आती हैं। तो इसको हम यहाँ पर सारे की सारी कंडीशन जो है
लाल किताब दरअसल है थोड़ी सी बिलतरतीब है। बिलतरतीब का मतलब होता है कि क्रम अनुसार नहीं है। तो क्रम अनुसार ना होने की वजह से, क्योंकि जिसने लिखवाई थी किताब ये, वो कोई इंसान तो था नहीं, वो एक गैबी ताकत थी। तो गैबी ताकत की जो बातें होती हैं वो भी थोड़ी बिलतरतीब होती हैं, तो इसीलिए इसको समझना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और बहुत से लोगों ने ये कहा कि हमने नोट्स बनाने चाहे, लेकिन हमसे नोट्स बनाने में बड़ी तकलीफें आई, हमसे बन नहीं रहे हैं। अगर बात को समझ ले तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे नोट्स मैंने भी नहीं बनाए हैं कोई, मैंने आज तक कोई नोट्स बना के कहीं कापी किताब में लिख कर भी रखा, कुछ दो चार बातें लिखी हैं, लेकिन ज्यादा मैंने कुछ काम नहीं इस पर नहीं किया मैंने। और उसके बाद जो खाना नंबर 10 क्लियर हो गया कि यहाँ पे कंडीशन जो है वो बृहस्पति पे कंडीशन है। अगर बृहस्पति यहाँ पर मंदा हो गया तो मंगल दशमी का घर जो है हर तरह से, यहाँ पे घर से सोना बेचते ही दूध जलेगा, दूध गया तो पूत और कबीला भी बर्बाद होंगे, यानी कि कबीला शनि का भी घर, ये सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो जाएगा। दूसरी बात है, सूरज के साथ अगर कहीं शनि का सहयोग मिल गया तो यहाँ पे मंगल बद हो जाएगा। जो खाना नंबर 6 में पंडित जी ने बात की है, सूरज 6 में होने से मंगल जो है वो उच्च हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं शनि का साथ मिल गया तो यहाँ पर होगा। और यहाँ पे जो लड़के पे लड़का मिलता मरता जावे हिंदी में लिखा है, ये उर्दू वाली किताब में लड़के के लड़का मरता जावे, यानी यहाँ पे पोते की बात की है, पोता जो है मतलब लास्ट जो है उसकी बात किया है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये भी कंडीशन है। उसके बाद यहाँ पर आगे जो है चलते हैं खाना नंबर 11 मंगल की तरफ। अब जो खाना नंबर 11 है मंगल, ये खाना नंबर 11 और 5, इसका आंगन तो जरूर है, लेकिन खाना नंबर 11 और 5 की दृष्टि कभी मिलती नहीं है। खाना नंबर 11 और 5 की दृष्टि हम पहले भी पढ़ के आए थे, खाना नंबर 11 5 तभी मिलेंगे जब खाना नंबर 8 इसमें शामिल होगा। अगर खाना नंबर 8 शामिल नहीं हुआ तो खाना नंबर 5 और 11 कभी नहीं मिलते हैं। तो यहां पर जो आगे पंडित जी लिखते हैं कि मिले कुत्ते दुनिया के हरदम जो होते, असर सिर देंगे ख्वाह कितने हो सोते। दुनियावी कुत्ते हमेशा ही होते हैं। दुनियावी कुत्ते कौन है? बहन के घर भाई कुत्ता, सोरे कर जवाई कुत्ता, नानके कर दोता कुत्ता। तो यहां पर जो है ये दुनियावी तीनों कुत्ते पंडित जी ने इनको तस्लीम किया कि ये जो तीनों होंगे ये कुत्ते होंगे। तो पंडित जी कहते हैं कि ये कुत्ते जो है कितने भी मतलब रद्दी हों, कितने भी बेकार हों, लेकिन ये काम आते हैं। घर का कुत्ता जो है चाहे जैसा भी हो, अगर काटने वाला भी नहीं हो, भौं भौं भी करे तब भी लोगों को रहता है कि हाँ। और बाकी जवाई है, जवाई पर भी मान होता है। बाकी जो दोता है, दोते पर भी मान होता है। तो ये तीनों चीजें जो है मतलब यहाँ पर अच्छा असर करती हैं। यहाँ पे पंडित लिखते हैं कि चीता मंगल दरबार गुरु के, पकड़ा गुरु जंजीर में हो, हाल बृहस्पति जैसा हो टेवे वही असर खुद मंगल हो, मंगल नौवे का असर दे 13, गुरु हालात ख्वा कैसी हो, बुध शनि जब मंगल उमदा बैठा, सुखिया जर सुखिया 28 जर सुखिया 24 जर 28 हो, उलट हालत मल बद मंगल होगा, केतु भला ना लड़का हो, पाप मतलब दुखिया करता ना ही सुखी खुद होता। अब यहाँ पे जो पंडित जी इसकी आगे जो बनिया जो यहाँ पे बयान करते हैं कि जो खाना नंबर दरअसल जो 11वां घर है, 11वां घर जो 11वीं राशि है अक्वेरियस, ये पुरातन एस्ट्रोलॉजी में तकरीबन जो आपको 200 250 300 400 साल आप बैक जाएंगे तो इस घर में ये जो राशि थी ये बृहस्पति की ही मानी जाती है। शनि की राशि को मानने का चलन जो है वो बाद में हुआ यहाँ पर। और ये बृहस्पति का दरबार है, यहाँ पर शनि जो है वो अपना घड़ा लेके बैठा हुआ है कि अगर सबको मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा, जैसे पिछली कंडीशनर वीडियो में बात करके आए हैं। तो यहाँ पर जो शनि का घड़ा है, शनि का जो घड़ा लेके बैठा है, कुंभ जो है शनि का है, लेकिन यहाँ पर जो घड़ा तो है बुध का, यानी जो पात्र है वो तो बुध का है। तो यहाँ पे पंडित जी जो कंडीशन बयान करते हैं वो यहाँ पे लिखते हैं कि बुध शनि जब उमदा बैठा, सुखिया जर 24 सुखिया 24 जर 28 हो, यहाँ पर
यहाँ पर जो है 2824वां साल क्या है, 24वां साल चंद्रमा का होता है, 24वां साल जो है वो चंद्र का है। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है पानी में भरा हुआ जो घड़ा है, जो जर है, सुखिया 24, जर 2800, 24 जो है 24 साल, या 24 से या 28 साल, या 24 से लेकर 24 साल, यहाँ तक जो है पूरा मतलब केतु की उम्र 48 साल तक जो है ये बहुत ही बढ़िया असर देगा यहाँ पर, अगर शनि और बुध दोनों बढ़िया बैठे होंगे, अच्छे कंडीशन में होंगे। शनि बुध की मदद मिले तो यहाँ पर ये खाना नंबर 11 का मंगल जो है हर तरह से आबाद देता है, नहीं तो खाना नंबर 11 का मंगल जो है कर्जे पे कर्जा भी चढ़ा देता है, कर्जदार भी बना देता है, हर तरह से यहाँ पे कर्जे की कंडीशन होती है यहाँ पर। तो आगे जो है उल्ट हालत मंद बद मंगल होगा, अगर ऐसी हालत ना होती यहाँ पे मंगल बद होगा, और केतु भला ना लड़का हो, केतु जो है वो यहाँ पे कंडीशन जो है पाप उम्र तक दुखिया करता है, 48 साल तक जो है या तो औलाद का सुख होगा, नहीं हो भी गया तो यहाँ पर वो खुद भी दुखी होता रहेगा और जो है माँ बाप को भी यहाँ पे दुखी करता रहेगा। यहाँ पर पंडित जी आगे जो इसकी नेक हालात बयान करते हैं कि घर में अपने रखता मंगल शहद के बर्तन भरे, इस घर में जो मंगल है यहाँ पे जो शहद का जो मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो है यहाँ पे मंगल का जो शहद है उस बर्तन में भरा हुआ है, जो हनी का जो होता है वो शहद से भरता है, यहाँ पे मंगल जो है ये यहाँ है तो ये शहद से भरा हुआ होगा, शहद उमदा होगा उसका फूल हो जिसके खरे। अब अगर फूल जो है बगीचे हैं, अगर बगीचों में फूल नहीं है, फूल अच्छे नहीं है, जैसे फूल होंगे वैसे ही अब आजकल जो हमें हनी मिल रहा है उनको चीनी खिलाया जाता है, तो हमें जो शहद मिल रहा है वो एक तरह से उनका चीनी ही है, चीनी से ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जब जो नेचुरल हनी होता है उसमें फूल पत्तियों का जो रस पीकर जो है वो उसका हनी उससे प्रोड्यूस करते हैं, तो वो वहां पर पंडित जी लिखते हैं कि इसे, अब यहाँ पंडित लिखते हैं फूल हो जिसके घरे, यानी बुध अगर अच्छा हुआ तो यहाँ पे मंगल शनि के घर में बैठा हुआ, इस घर में यहाँ पर क्योंकि इसके सामने जो घर है यहाँ पे तीसरा घर यहाँ बुध का भी पड़ जाता है, यहाँ पर बुध अगर अच्छा हुआ तो यहाँ पे मंगल बैठा हुआ जो है यहाँ पर उसके शहद जो है वो बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पर। कहना फूल छोड़ मक्खी ही जब, कहना फूल की तो बात छोड़ो, अगर मक्खियों का जो है झुंड जो है यानी कि शनि मक्खी जो है इस घर का जो शनि है, अगर शनि ही बढ़िया हुआ, मक्खियों का झुंड बढ़िया हुआ, जितनी भी प्रजातियां कबीलों में पाई जाती हैं, बड़े लंबे लंबे जिनके झुंड होते हैं, हमेशा ही कबीला बड़ा कबीला, जितना बड़ा कबीला उतना ही शनि अच्छा यहाँ पर जो है माना जाता है। तो यहाँ पर जो मक्खी है अगर वो अच्छी क्वालिटी की मक्खी है, मक्खियों का अच्छा समूह है, तो वो फिर भी कहीं ना कहीं से, अगर बुध खराब भी है तो वो कहीं ना कहीं से दूर से भी जाकर मेहनत करके यहाँ पर मंगल का जो शहद है वो इस घर में लाके भर देंगे। तो कहते हैं दम के दम ले आएंगी सब, फूल छोड़ मक्खी ही जब, नेक और उमदा मिले दम के दम ले आएगी सब, यानी कि अपने दम से अपनी हिम्मत से अपने शनि जो है वो मेहनत का भी है, वो शनि जिस घर में भी गया उस घर में उसने मेहनत किया, खाना नंबर 3 में मंदा जरूर हो गया धन दौलत के लिए, लेकिन वहां पे उसने राजमिस्त्री मजदूर लेबर का जो है वो वहां पे मेहनत तो नहीं छोड़ा ना उस घर में, उसने जहां भी शनि जाता है वहां पे वो मेहनत करता है अपने दम पे, चाहे जैसा भी मिले हर आदमी मेहनत जरूर करता है, भिखारी भी मेहनत करता है सुबह से शाम तक करता है। तो यहाँ पे पंडित जी लिखते हैं कि दम के दम पर, यहाँ पे शनि अपनी दम पर जो है यहाँ पर ले आए सब शहद के बर्तन भरे, यानी शहद का जो ये खाना नंबर 11 है मंगल को यहाँ पे आबाद कर देगा, तो कंडीशन यहाँ पर जो है बुध और मंगल के यहाँ पर पंडित जी यहाँ पे से कहते हैं। गुरु के चरणों में चरणामृत आदि का खूनी खुराक कब लेगा, जब बृहस्पति के घरों में मंगल बैठा हुआ है तो इसे यहाँ पर खून की खुराक तो मिलनी नहीं, यहाँ पे मंगल जो बद की खुराक है वो खून की खुराक यहाँ पे मिलेगी नहीं, या ऐसा प्राणी दूध से पला हुआ होगा, शेर फकीरी रूहानी हालत नेक मायनों में, मगर भेष मानिंद राजा माली हालत में हर तरह से उम्दा होगा। अगर यहाँ पर फर्ज करें जब मंगल खाना नंबर 11 में हो और आदमी का मंदा हो जाए, यानी कि बुध शनि खराब हो, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसे बृहस्पति की हेल्प मिल जाती है, जब भी मंगल 9 में भी बैठा हो, 2 में भी बैठा हो, 5 में बैठा हो, बृहस्पति घर में 12वें घर में बैठा हो, यहाँ पर अगर मंगल बद भी होगा तो मंगल बद होने के बाद ऐसा बृहस्पति के घर में वो मंगल बद इतना तूफान नहीं मचाएगा, लेकिन यहाँ पर ये उसे ध्यान और मेडिटेशन रूहानी ताकत की तरफ झोंक देता है,
जितने भी लाल किताब एस्ट्रोलॉजर भी अच्छे अच्छे हैं तकरीबन, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं बृहस्पति से आपको जरूर मिलेगा, दूसरे घर में मिलेगा, पांचवें घर में मिलेगा, नौवें घर में मिलेगा, ग्यारहवें या बारहवें घर में मंगल तकरीबन मिलता है। तो बृहस्पति के साथ बृहस्पति मंगल जो है उसकी एनर्जी है, तो यहाँ पर ये शेर फकीरी रूहानी हालत जो है, रूहानियत यहाँ पर यह बढ़ा देगा, गैबी ताकत का बढ़ा देगा। अगर यहाँ पर भेष मानिंद राजा माली हालत में हर तरह से उम्दा होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, लाल किताब ज्योतिष जितने भी करने वाले हैं ना, कोई आपको भूखा नंगा नहीं मिलेगा, कोई आपको इससे आप बुरे मायनों में मत लेना। जितने भी लाल किताब ज्योतिष करते हैं ना, ये आपको ना तो कोई कर्म कांड के नाम से या ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किसी से लेते हैं, लेकिन कोई भी लाल किताब भी जो हासिल जिसने लाल किताब ज्योतिष की है, वो कभी भी आपको 50 50 100 100 रुपये के लिए गलियों में आपको भटकता नहीं मिलेगा। इनके जो है, चाहे इनकी फीस इनकी हाई होती है, हाई फीस होती है, लोगों से हाई फीस लेते हैं, लेकिन लोग इन्हें देते भी हैं। देखिए, ये लाल किताब की जब लोग उपाय करते हैं, लोगों को राहत मिलती है, तो लोग ऑटोमेटिक ही विश्वास करते हैं। ये पंडित जी की भी गैबी जो है आशीर्वाद है। तो लाल किताब ज्योतिष करने वाला कभी भूखा नंगा नहीं होता, भूखा नंगा नहीं रहता है, या वो अपनी भूख नंग जो है जाहिर नहीं करता लोगों के सामने। वो मतलब हाय हाय इस तरह से करना लाल किताब ज्योतिष करने वालों की फितरत में होता ही नहीं है। यहाँ पे ये पूरी तरह से बृहस्पति का आशीर्वाद यहाँ पे मिल जाता है, अगर सही मायने में लाल किताब ज्योतिष करने वाला हो, पंडित जी पे यकीन रखने वाला हो और उस परवरदिगार मालक पे भरोसा करने वाला हो, तो उसे कभी भी बिल्कुल ही गुर्बत वाले हालात जो है उसके नहीं आते हैं। कुल मिलाकर वो आम इंसान के जैसे या अच्छा ही रहता है यहाँ पे। जैसे तीन कुत्ते या कुत्ते की अस्या कारोबार या रिश्तेदार मुतलका केतु अब मुबारक फल देंगे। यहाँ पे मंगल की जो कंडीशन है, यहाँ पे मैं एक चीज, वीडियो चाहे लंबी छोटी जो भी हो देखना आप जरूर इसको। यहाँ पर जो लाल किताब है, ये दरअसल लाल किताब है तो राहु की है किताब ये, क्योंकि पंडित जी को रू ने लिखवाई, एक रू जो है बिना शरीर के उसने लिखवाई है, और लिखी भी पंडित जी ने बिल्कुल वो राहु की समाधि में जाके लिखी। कि ये किताब के जो उपाय हैं अचानक से चलते हैं, जोरदार लगते हैं, बहुत स्पीड गोली के जैसे चलते हैं। इसके साथ ही इस पंडित जी ने किताब को जो है अचानक से, इस किताब के ऊपर जो पंडित जी ने लाल कवर चढ़ाया वो मंगल नेक का चढ़ाया, मंगल नेक से राहु को पंडित जी ने यहाँ पे कंट्रोल किया है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी ना कभी आदमी को, जितने भी लाल किताब ज्योतिष करते हैं, ये मंगल के ही चैप्टर में बात आती है, अक्सर इनको आप देखेंगे कि कहते हैं कोई ना कोई परेशानी आती है। जैसे मुझे भी परेशानी, दरअसल मुझे डायरेक्टली तो नहीं आती है, इनडायरेक्टली जरूर आती है मतलब, लेकिन मेरे से भी बहुत ज्यादा जो है परेशानी वाले लोग हैं, किसी को कैंसर है, किसी को एक्सीडेंटल है, या किसी की घर गृहस्थी तबाह है, तलाक की नौबत है, बीवी छोड़ के चली गई है, आगे जो औलाद है वो भी पागल है। तो यहाँ पे पंडित जी क्या कहते हैं कि कभी ना कभी अगर मंगल राहु से कंट्रोल तो नेक से कंट्रोल तो किया है राहु को मंगल नेक से, लेकिन कभी ना कभी ये बैक फायर भी कर सकती है। तो यहाँ पे मंगल का जो उपाय है, मंगल का उपाय बजरिया, यहाँ पर केतु जो है ये बहुत ही बढ़िया काम करता है। यहाँ पे पंडित जी लिखते हैं कि दुनिया के तीन कुत्ते या कुत्ते की केतु की अस्या का कारोबार या रिश्तेदार मुतलका केतु अब मुबारक फल देंगे। इनका फल यहाँ पे अच्छा मिलेगा, अगर यहाँ पे अच्छा फल ना हो तो यहाँ पे इनको पालना जो है करना, इनको पाल के रखना। यहाँ पे मंगल जो आपने 11 में पंडित जी ने लिखा ना कि मिले कुत्ते दुनिया के हरदम जो होते असर से देंगे, ख्वाह कितना ही सोते, जितने भी रद्दी हो लेकिन फिर भी अच्छा असर देंगे। तो जितने भी लाल किताब के जो बैक फायर होते हैं, यहाँ पर राहु के उपाय जो है यहाँ पे बजरिया केतु के किए जाएंगे। राहु यानी कि मंगल बद के उपाय बजरिया केतु के अनुसार, यहाँ पे शुक्र हमने जो है चंद्र का दुश्मन, शुक्र का दुश्मन, लास्ट केतु औलाद का दुश्मन है, तो वहां पे भी हमने क्या किया, वहां पे हमने वहां पे भी मंगल के लिए जो है खाना नंबर 8 में जाकर जो है वहां पर शमशान में जो है शहद का घड़ा दबाया हमने औलाद की प्रॉब्लम के समय। यहाँ पर जो है, या फिर जब मंगल बंद हो गया तो हमने जो बंद थे मीठी रोटियां हमने वो कुत्तों में डाली हैं, तो कुत्ता जो है इनकी जो बैड जो है उस चीज को, यहाँ पर पापी ग्रहों का उपाय जो है पापी ग्रहों के द्वारा ही कर दिया गया। तो जितने भी लाल किताब की जिन पर बैकफायर आते हैं, बैकफायर उन पे आते हैं या जब वो बृहस्पति का साथ छोड़ देते हैं, बृहस्पति यानी कि परमात्मा पे यकीन नहीं। जब भी आदमी, एक प्रिडिक्शन सही हो गई, दो प्रिडिक्शन सही हो गई, या फिर उपाय आपके लग गए,
और लोग फीडबैक देते हैं कि सर हमने ये उपाय किया था, प्रभु जी हमें बहुत बढ़िया लगा। तो मैंने कभी इसको सीरियसली नहीं लिया। मैंने मैंने कहा तेरी किस्मत में था, हो गया, करना परमात्मा ने था, मैं कौन होता हूँ करने वाला। तो जब आप ईगो ले आते हैं, ईगो जब आपके अंदर क्रिएट होने लग जाता है, एक कंडीशन जब ईगो का आपके होगा तो आप बृहस्पति को भूल जाएंगे। आप ये कहेंगे अरे मेरी नॉलेज बड़ी दुरुस्त है, मैंने जो किया मैंने किया। ईगो क्रिएट हो गया तो बृहस्पति आपका गया यहाँ पर। उसके बाद क्या है कि लोग जो लोग परेशानी में हैं, जितने भी लाल किताब जो है करते हैं, मैं उनको देखा है कि किसी का बेटा पागल है, या घर वाली भाग गई, या खुद बीमारी से परेशान है। इन लोगों की मैंने देखा, एक तो ये इनका, इन्होंने बृहस्पति अपना खराब किया हुआ है, ईगो जो है उसकी तो पूछो ही मत। दूसरी बात है जो गुरु है, कहते हैं कि गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी, जावे निर्धन जावे कोड़ी। जब आदमी गुरु के साथ कपट रखे और मित्रों के साथ चोरी करे, तो या तो वो आदमी जो है निर्धन होगा या वो आदमी कोढ़ी होगा। निर्धन होगा यानी शनि खाना नंबर 3 होगा, कोढ़ी होगा तो बुध 8 होगा, यानी बुध मन बुध शनि दोनों ही आदमी के खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पर जितने भी लाल किताबी हैं, इनके तकरीबन बुध शनि की जो कंडीशन है, लाइट चली गई है, ये बहुत ही खराब कंडीशन में आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है उपाय के तौर पे जो है, हमें एक तो केतु का उपाय करते रहना चाहिए यहाँ पर। दूसरी बात है, नहीं कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, यहाँ पर दूसरी चीज है कि हमें केतु का उपाय करते रहना चाहिए। केतु के लिए जो कुत्ते की जो सेवा है, वो हमेशा ही, जब भी लाल किताब ज्योतिष करते हैं हम, कुत्ते में हमेशा ही चीजें तकसीम करते रहना चाहिए केतु की मदद के लिए। उसके बाद राहु कहीं ना कहीं बुरा असर ना दे दे हमें। तो राहु के जो जानवर हैं, परिंदे हैं, उड़ने वाले परिंदे जो हैं, चाहे बुध के हैं, आकाश राहु में उड़ते हैं, उनको भी उनकी खुराक देनी लाजमी है। उसके बाद आ जाता है बृहस्पति का तर। तो हमारे पास साल में जिस दिन भी पंडित जी का जन्मदिन होता है, या जिस दिन पंडित जी की डेथ एनिवर्सरी है, अब जन्म जो है वो सब लोग जून को मानते हैं, लेकिन मैं पंडित जी का जन्म है वो 10 मई को मानता हूँ, जो वेरीफाइड है, मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं कुछ पुराने जो हैं। नहीं तो हमारे सनातन धर्म में हमेशा पुण्य तिथि मनाई जाती है। तो पुण्य तिथि मनाने के लिए हमें उनका 24 दिसंबर है, 24 दिसंबर वाले दिन है, जैसे श्राद्ध के लिए हम अपने माँ बाप के लिए करते हैं, तो पंडित जी का भी उसी तरह से उनके नाम से धर्म स्थान में, मंदिर में हमें उनके नाम से अन्न का दान जरूर करना चाहिए। मैं शुरू से ये करता आया हूँ, मैं आज आपको ये बता रहा हूँ। दूसरी बात है कि गुरु संग कपट, मित्र संग चोरी। जो भी लाल किताब सीख रहे हैं, अगर मुझे कोई फोन करता है, मैं लाख बिजी होने के बाद भी अगर मुझे कोई फोन करे, स्टूडेंट की बात नहीं है, मैंने अगर कुछ एक दो वीडियो मैंने इस कोर्स के शेयर भी किए हैं, वो मैंने इसलिए शेयर नहीं किया कि मेरे पास और स्टूडेंट आए तो मैं और पैसे कमाऊं, वो बात नहीं है। वो शेयर मैंने इसलिए किए कि अगर कुछ लोग देखेंगे उन वीडियो को तो वो इंस्पायर्ड होंगे और खुद वो लाल किताब को पढ़ने की तरफ आएंगे। जो दो चार वीडियो कोर्स के वीडियो जो मैंने प्राइवेट पब्लिक किए हैं, उनको देखने के बाद बहुत से लोग इसकी तरफ जागरूक हुए, और बहुत सारे वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी जो है, जो कभी गाली देते थे, उन्होंने मुझे फोन किया, बोला कि हमने कभी इन चीजों को समझा नहीं, और नई चीज नए ढंग से वो इस चीजों को समझ रहे हैं, और खुद भी उन्होंने जो है लाल किताब एस्ट्रोलॉजी की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, तो उन्हें भी अच्छा लगा। तो ज्ञान को हमेशा बांटना चाहिए। ज्ञान बांटने वाला जो अगर ज्ञान रख के मर जाता है, वो आदमी ब्रह्म राक्षस की श्रेणी में जाता है। इसीलिए ज्ञान कभी भी छुपा के नहीं रखना है, ज्ञान को हमेशा बांटना। अगर कोई भी आपका दोस्त है, ये लाल किताबियों में सबसे बड़ी गंदी आदत है, एक तो ये मित्रों के साथ जो है चोरी करेंगे, अगर किसी से कुछ ले भी लिया आगे नहीं देंगे, कुछ बताएंगे नहीं एक दूसरे को। दूसरी बात है कि गुरु संग कपट, नमक हरामी नंबर 1। पंडित जी का नाम लेते समय या तो इनकी जो है जुबान बंद हो जाती है, या तो इनको जुबान को लकवा मार जाता है। पंडित जी का नाम तो लेना ही पसंद नहीं करते, यानी कि जो किया मैंने किया, गुरु को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो गुरु को याद रखना यहाँ पे जरूरी है। बृहस्पति, अगर आप लाल किताब एस्ट्रोलॉजी करते, वैसे जिंदगी में सुखी होने के लिए अपने गुरु को, अपने बाप को याद रखना जरूरी है, बाप को भी क्रेडिट देना जरूरी है। जैसी हमने बाप के साथ हमने हरकत की है, हमारे बच्चे भी वही देख रहे हैं, वो बच्चे हमारे साथ वैसा ही सलूक करेंगे, जो हमारे केतु है वैसा ही सलूक करेंगे हमारे साथ में। तो इसीलिए यहाँ पर पंडित जी की जब बरसी होती है पुण्य तिथि के समय, यहाँ पर कोई गल नहीं पाजी, कैमरा ऑफ। तो यहाँ पर जब भी क्या कहते हैं, एक तो गुरु का यहाँ पर जो है सम्मान करना है, पंडित जी को हमेशा क्रेडिट देना है। लाल किताब से कोई उपाय हमने करवा दिए, लोग हमें आके नमस्कार करेंगे, लेकिन हमने कान पकड़ना है कि हे परमात्मा, जो तूने किया है
और पंडित जी की कृपा के द्वारा, पंडित जी के जरिए तूने मेरे से ये करवाया है और इसने किया है, इसे मदद मिली है। क्रेडिट तो 1% भी इस किताब का अपने लिए नहीं लेना है कि मैंने करवाया है, ईगो में नहीं आना। दूसरी बात है, बृहस्पति को कायम रखना है, पंडित जी को याद रखना है, परमात्मा को याद रखना है, उनकी पुण्यतिथि पर उनका जो हिस्सा होता है वो धर्म स्थान में दे कर आना है, उनका श्राद्ध जरूर करना है उनका। चौथी बात, यहाँ पे पंडित जी जो बात कहते हैं कि पापी ग्रह जो है, लास्ट पापी ग्रह जो है वो केतु है, तो यहाँ पे कुत्तों की सेवा मुबारक है। छोटे बच्चों में भी, आप गरीब बच्चों में भी चीजें तकसीम कर सकते हैं, लेकिन कुत्तों की सेवा जरूर करनी चाहिए। पंडित जी खुद भी कुत्ते की सेवा बहुत करते थे, कुत्तों को जो है बिस्किट हो गए, मिठाइयाँ हो गई, बहुत सी चीजें जो है सेवा बहुत पंडित जी किया करते थे। तो जितने ये पापी ग्रह हैं, दरअसल क्या होता है कि जब उपाय किसी को देते हैं ना, तो हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी काम करती है, जो हमारे पुण्य फल जो प्रारब्ध के हैं वो काम करते हैं, और पंडित जी की जो गैवी ब्लेसिंग है वो भी काम करती है। तो जैसे धीरे धीरे हमारे पुण्य फल खत्म हो जाते हैं ना, तो हमारे उपायों की एनर्जी भी खत्म हो जाती है। तो इसीलिए अपने आप को बैकअप करने के लिए पापी ग्रहों के जरिए, राहु के लिए जो है यहाँ पर जमादारों को, भंगियों को जो है, जो लोग काम करते हैं उनकी सेवा है, या जो आकाश में उड़ने वाले परिंदे हैं, परिंदे जो हैं वो बुध के हैं लेकिन खुले आकाश में उड़ते हैं, राहु में भी, बुध राहु में गिने जाते हैं परिंदे जितने भी हैं, जो खास करके पक्षियों में तो कई जगह पंडित जी ने बुध राहु को इकट्ठा ही माना है, पंडित जी ने बुध राहु में, तो यहाँ पे पक्षियों की सेवा से बुध राहु की हो जाती है, कुत्ते की सेवा से केतु अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर जहां तक आती है बृहस्पति की बात, अब राहु केतु अच्छे हो गए तो शनि ऑलरेडी अच्छा है, शनि तो राहु केतु के हिसाब से फल देगा। शनि पापी है लेकिन पाप जो है वो राहु केतु है, तो राहु केतु पाप को सही करना है। उसके बाद जो अपना बृहस्पति है, बृहस्पति को सही करने के लिए हमेशा भगवान को और पंडित जी को क्रेडिट देना है, और उनके नाम से जो चीजें होती हैं वो ब्लेसिंग लेने के लिए, आपको आपका जो भी मजहब है आप अपने मजहब के अनुसार भी जब उनकी पुण्यतिथि होती है धर्म स्थान में दे सकते हैं। या मैं तो देखो, मेरा अपना तरीका तो ऐसा है, जितने भी हॉरोस्कोप मेरे पास रीडिंग के लिए आती हैं उनमें से मैं कुछ कुछ पैसे निकाल कर रख लेता हूँ, उस पैसे से जाके मैं अपने मजहब के मुताबिक जो है, क्योंकि कहीं बुध ना बन जाऊं, मैंने इसीलिए जब एस्ट्रोलॉजी में आया था तो मुझे विद टर्बन मुझे बहुत परेशानी हुई, बहुत से लोगों ने मुझे ये भी कहा कि आप, मुझे अभी भी कई बार कुछ कमेंट आते हैं, कई बार रिश्तेदारों के भी फोन आते हैं कि ये तुमने क्या काम पकड़ लिया है, तो इस तरह से थोड़ा सा बैड सुनने को मिलता है। तो मैंने कई बार सोचा कि मैं क्लीन शेव हो जाऊं, लेकिन फिर सोचा अगर मैं क्लीन शेव हो गया तो फिर मैं अपने मजहब से गया, अपनी रवायत से गया, तो मैंने इसलिए जो है विद टर्बन्स मैंने इसको जारी रखा है। तो जो भी आपके मजहबी अदारे हैं वहां पर जाकर उनके नाम से जो है आप डोनेशन जो है श्राद्ध के जरिए, जैसा भी आप जिस ढंग से आप कर सकते हैं, बाकी मंथली मंथली में 2 महीने में 15 दिन में जितने भी रीडिंग्स के पैसे होते हैं उनमें से जो भी कुछ पैसा एक मैं निकालता हूँ, एक हिस्सा मैं 5%, 2 से लेकर 10% तक मैं निकालता हूँ, उन पैसों को जो है कुछ पैसे जो है इन चीजों में खर्चे हो जाते हैं, और कुछ पैसे जो है वो धर्म स्थान में जो पुजारी होते हैं उनको वहां पर प्रार्थना के लिए, अरदास के लिए, या वो जितने भी नाम होते हैं उन लोगों के नाम जो है लिखकर उनका प्रार्थना करवा देते हैं कि भाई इनके इनके हॉरोस्कोप रीडिंग में इनके इनको उपाय दिए गए हैं, वो उनके उपायों में भी एक डबल ब्लेसिंग बृहस्पति की भी आ जाती है। या फिर आप वैसे भी मन में भी आप सोच कर आप दे दें कि ये आप प्रार्थना कर देना, क्योंकि परमात्मा सबकी जानता है, तो यहाँ पर इस तरह से उपाय करने वाले को डबल ब्लेसिंग मिल जाती है। तो बृहस्पति का साथ और राहु केतु का जो दान है वो करने से आप पर कभी भी बैकफायर नहीं आएगा। मेरे पे कभी कोई ऐसा बैकफायर नहीं आया, बाकी जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो दुख सुख हैं वो हमेशा आदमी को मिलते रहते हैं, और मैंने जब से कोर्स किया तब से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई है, उसके पहले मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, घर में सब कुछ मेरा ठीक है, बढ़िया है, बिटिया है, वाइफ है, सब प्रेम प्यार मोहब्बत, ऐसी कोई भी बात नहीं है, जैसे लोगों के साथ होता है वैसा मेरे साथ कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर ये कंडीशन जो है वो लाल किताब की मैंने ये मंगल खाना नंबर 11 बोलते समय साथ में लिख दिया। यहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि सोने के जंजीर में गुरु के हाथों में जकड़ा हुआ चीता होगा, जैसा बृहस्पति हो वैसा ही मंगल का हाल होगा, बुध और शनिचर की यहाँ पे नकल करेगा। यहाँ पे मंगल जो खाना नंबर 11 में बैठा हुआ है, यहाँ पे शहद मंगल 11 का है, ये जो है कंडीशन बुध और शनि पे है, और यहाँ पर बृहस्पति का घर है तो यहाँ पे बृहस्पति के साथ यहाँ पर मंगल का फल मुबारक है, लेकिन बुध शनि अच्छा हो तो यहाँ पे फल अच्छा ही मिलेगा यहाँ पर। तो
इसके आगे की जो कहते हैं कि अमूमन खाना नंबर 13 सत्य जो खा अमूमन 13 साल की उम्र से खाना नंबर 9 का दिया हुआ असर देगा। बृहस्पति अगर बढ़िया होगा, बृहस्पति अच्छा है तो यहाँ पे हर तरह से यहाँ पे अच्छा होगा। साथ ही यहाँ पर 24-28 साल उम्र तक जो है माया दौलत खुद जमा हो जाएगी। बुध शनिचर बढ़िया हो तो यहाँ पे हर तरह से बढ़िया होगा। ये खाना नंबर 11 मंगल की कंडीशन है। अगर यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है तो आप सबसे पहले यहाँ पर बुध शनिचर को देखें वो कैसा है, बृहस्पति को देखें वो कैसा है। जिंदगी में बढ़ने का जो नाम है वो मंगल ही है। मंगल के अलावा और कोई भी ऐसा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे जो मंदी हालत है, मंदी हालत मंगलवत की हालत में केतु जो है औलाद की बर्बादी, भाई मंगलवाद, मंगल की जानदार रस्सियां दुख का कारण बनेगी, हर तरह से बर्बादी होगी यहाँ पर। और यहाँ पर जो है क्या कहते हैं 48 साल की उम्र तक जो है हम मंदे हालात ही मिलेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे सबसे पंडित जी कहते हैं कि अगर ये मंगलवाद कब दूर होगा, जब पहला लड़का पैदा हो जाए या फिर आदमी अपने भांजे को या दोते को, या फिर यहाँ जो यहाँ पे तीन कुत्ते वाली बात है, अगर ये तीनों कुत्ते घर में आके रहते हैं तो उनसे मदद मिलेगी, मुबारक फल होगा। या फिर वैसे ही आदमी को कुत्ता पालना जो है, कुत्ता पाल लेने से यहाँ से हर तरह की जो है ये तकलीफें यहाँ पे दूर हो जाएंगी। यहाँ पे कुत्ते की सेवा या कुत्ते की पालना करना मंगल 11 का बहुत ही बढ़िया उम्दा उपाय है यहाँ पर। आज जो है लाइट चली गई है, लाइट जाने की वजह से मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। और आगे की जो बात है, मंगल खाना नंबर 12 एक रह गया है। हालांकि मंगल खाना नंबर 12 में जब होता है तो मैं जैसे पहले बीच में बोल के आया कि यहाँ पर ये राहु केतु को कंट्रोल कर लेते हैं, यहाँ पे राहु बिल्कुल नहीं बोलता और केतु दरअसल यहाँ पे बोलता नहीं है। केतु दरअसल बद खराब हो जाता है, केतु खराब हो जाता है। बृहस्पति का घर है, बृहस्पति को जो है जब भी खराब हुआ है तो यहाँ पे उसे चंद्र की मदद से, मंगल की मदद से ही बृहस्पति को बचाया गया है। जैसे कि मंगल बध के समय में या बुध न हो तो पूरा ही जो है खराबी आ जाए। यहाँ पे जो नाक में चांदी की तार डाली जाती है राहु को शांत करने के लिए की जाती है। उसके बाद पंडित जी ने मंगल मीठे का दान भी बोला है। अगर मंगल मीठे का दान ना किया जाए तो यहाँ पर फिर उसका उपाय का कोई फल नहीं मिल जाता, राहु फिर से एक्टिवेट हो जाता है और फिर डबल बुरा असर मिलना शुरू हो जाता है आदमी को। इस तरह से भी आदमी को समस्याएं आती हैं। मंगल खाना नंबर जो एक रह गया है उसके लिए मैं फिर से एक वीडियो बनाकर डालूंगा। आज लाइट की परेशानी होने की वजह से इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। और बाकी मैं जो हमारे साथी हैं मनोज जी हैं या जो भी हैं, मैं उनसे मैं यही बाकी जितने भी हैं, आपको जब भी कोई अच्छा लगे, थोड़ी मेरी आंखों में प्रॉब्लम थी अभी ठीक है, तो ग्रुप डिस्कस का जो है आप कोई भी दिन रख लें मुझे बताएं ताकि हम ग्रुप डिस्कशन कर सकें और जो पीछे के जो डाउट्स रह गए हैं उन डाउट्स को हम दूर कर सकें। फिर आगे हम शनि राहु केतु और उसके बाद के जो चैप्टर्स हैं या जो भी बातें उनकी तरफ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।